नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज से हम प्रीमियर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रोजाना एक आध टॉपिक पर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं क्रिस्टल जालक या एकक कोष्ठिका। तो सबसे पहले बात आती है क्रिस्टल जालक की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबा लो, जिससे आपको नॉलेजेबल चीजें इस चैनल पर मिलती रहती है समय समय पर। और आगे से आगे शेयर करना मत भूलना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना, साथ ही साथ कमेंट करते रहना। आपके सामने वीडियो प्रीमियर हो रहा है तो कमेंट करना ना भूलना। तो सबसे पहले बात आती है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख लीजिए क्रिस्टल जालक क्या है। तो देखिए क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो अपने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनमें जो अवयवी कण है, अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो ये जो अवयवी कण है उनकी त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति जो संरचना होती है वो अपनी क्रिस्टल जालक होती है। जैसे कि NaCl है तो इसके अंदर क्या होंगे, Na और Cl दो परमाणु है, इनकी क्या होती है त्रिविम, मतलब ये 3D में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि एक के ऊपर Na, के ऊपर Cl, Cl के ऊपर Na, इसी प्रकार 3D के अंदर एक निश्चित ज्यामिति होती है इनकी। तो ये जो निश्चित ज्यामिति युक्त जो 3D संरचना होती है इनकी, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, कि जो क्रिस्टल जालक क्या होगा, कि जो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है उसके अवयवी कण है, परमाणु, आयन, अणु, उनकी त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति ही क्या कहलाती है, निश्चित ज्यामिति क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब बात आती है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो देखिए एकक कोष्ठिका के बारे में अगर कोई जानता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो देखो एकक कोष्ठिका क्या होती है, कि जो एकक कोष्ठिका है वह सबसे छोटा से छोटा वह भाग है जिनकी विभिन्न दिशाओं में पुनरावर्ती होकर एक लंबा और बड़ा विशाल क्रिस्टल जालक तैयार होता है। यानी कि जैसे कि मैं बात करूं इस पौधे में जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसमें देखो एकक कोष्ठिका के तौर पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी से छोटी इसके अंदर पत्तियां हैं सारी, माना इसके अंदर पत्तियां, तो एक छोटी एक पत्ती जो है इसकी वो क्या है, एकक कोष्ठिका है। इन पत्तियों से मिलकर ये पूरा पेड़ बना है। इसका मतलब वह लघुतम भाग, वह छोटी से छोटी इकाई जिससे जिसकी मतलब पुनरावर्ती विभिन्न दिशाओं में होकर एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक तैयार होता है, तो वो क्या होती है एकक कोष्ठिका। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो जो ये दीवार है अपनी, ये वाली दीवार, इसकी एकक कोष्ठिका क्या होगी, इसकी एकक कोष्ठिका ईंट है, क्योंकि विभिन्न ईंटें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जुड़कर एक दीवार तैयार होती है, एक क्रिस्टल जालक तैयार होता है। इसका मतलब एकक कोष्ठिका क्या हुई, एक वह छोटा से छोटा भाग जिसकी पुनरावर्ती विभिन्न दिशाओं में होकर एक क्रिस्टल जालक तैयार होता है, तो वो हमारा क्या होती है एकक कोष्ठिका होती है। तो समझ गए होंगे आप एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स, ये हम 12वीं RBSC केमिस्ट्री से नॉलेज जो है वो ले रहे हैं। तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या क्या होते हैं, तो एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो इसकी विमाएं होती है, एक एक्स एक्सिस वाली, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की। तो 3 विमाएं ए, बी और सी बोलते हैं, और 3 इसके होते हैं कोण, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 कोण और 3 इसकी भुजाएं, ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 6 पैरामीटर हो जाएंगे इसके। तो पूछे कि एकक कोष्ठिका में, एक एकक कोष्ठिका में कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो 6 पैरामीटर्स होते हैं, ए, बी, सी और अल्फा, बीटा और गामा। अब ये अल्फा, बीटा, गामा कौन कौन से कोण होते हैं, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो बी और सी के मध्य का कोण होता है वो अपना होता है अल्फा। बी और सी के मध्य अल्फा होता है, और ए और बी के मध्य गामा होता है, और ए और सी के मध्य क्या होता है, अल्फा हो गया बीटा, ठीक है। ए और सी के मध्य होता है बीटा, तो ये हो जाएंगे, ठीक है, ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा, ये 6 पैरामीटर्स होते हैं। अब देखो उसके बाद आता है क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार। अब देखो क्रिस्टल तंत्र है उसके प्रकार कितने हैं, तो क्रिस्टल तंत्र पहला प्रकार है सरल या मूल आद्य कोशिका बोल सकते हो, या सरल या मूल आद्य एकक कोष्ठिका, ये क्रिस्टल का प्रकार है सरल या मूल। इसके अंदर क्या होता है, सरल जो एकक कोष्ठिका होती है
उसके अंदर जो अवयवी कण होते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घनी एकक कोशिका की, तो जो भी इसके अंदर घनी एकक कोशिका होगी या और भी जो भी एकक कोशिका है, सरल की बात आती है तो उसमें क्या होंगे, जो अवयवी कण होंगे, जो छोटा से छोटा उसका कण होगा, अणु परमाणु आयन, वो ओनली फॉर कॉर्नर पर स्थित होंगे और कहीं नहीं, ना सेंटर में होंगे ना फलक पर होंगे, ओनली फॉर कॉर्नर में स्थित होंगे, तो वो होगी सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। ठीक है, सरल या आद्य एकक कोष्ठिका होगी, उसके अंदर ओनली फॉर कहाँ स्थित होंगे, कॉर्नर पे, जैसे कि घन है तो घन के कॉर्नर पे स्थित होंगे, चार ऊपर और चार नीचे आठ, तो वो होगी सरल या आद्य एकक कोष्ठिका। उसके बाद आती है केंद्रिक एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये सरल या मूल आद्य एकक कोष्ठिका की, मूल आद्य एकक कोष्ठिका में हो गया ओनली फॉर कॉर्नर में, और जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है उनकी जो होगी उसके अंदर क्या होगा, कॉर्नर पे तो होंगी, उसके अलावा भी और कहीं ना कहीं स्थित होंगे अवयवी कण, हो सकता है केंद्र पर हो सकता है फलक पर हो सकता है उसके विपरीत, दो विपरीत आमने सामने के फलकों पर हो, तो इस प्रकार कॉर्नर के अलावा और भी स्थानों पर जो अपने होते हैं अवयवी कण वो उपस्थित होते हैं, जबकि मूल आद्य एकक कोष्ठिका में ओनली फॉर कॉर्नर पे होंगे, जबकि केंद्रित नाम आते ही सब जगह कहीं पर भी हो सकते हैं, कॉर्नर के अलावा और भी सब जगह होते हैं। अब जो ये केंद्रित एकक कोष्ठिका है उसके अंदर भी वापस तीन भाग बनाए गए, पहला होता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसके अंदर क्या होता है कि जो चार और चार आठ परमाणु जो है घन के ऊपर व नीचे होते हैं कॉर्नर पे स्थित, और काय केंद्रित है इसका मतलब एक परमाणु जो होता है वो इसके सेंटर पर स्थित होता है। ठीक है, केंद्र पर उपस्थित होता है एक परमाणु, और जो चार और चार आठ होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और एक परमाणु केंद्र पर होता है। ठीक है, इसको हम बॉडी सेंटर क्यूबिक बोलते हैं, इसका मतलब बीसीसी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीसीसी। उसके बाद आती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंदर क्या होता है कि चार कॉर्नर ऊपर और चार कॉर्नर नीचे, आठ कॉर्नर पे स्थित होते हैं, और इसके साथ ही जो फलक है घन के उस प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है, तो वो होती है कौन सी, फलक केंद्रित। ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। उसके बाद एक और आती है अंत्य केंद्रित। ठीक है ना, अंत्य केंद्रित, उसके अंदर क्या होता है कि चार कॉर्नर पे और चार नीचे के कॉर्नर, आठ तो कॉर्नर पे होते हैं अवयवी कण, उसके साथ ही दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं, दो विपरीत, जैसे कि अगर नीचे वाला फलक यहाँ पर स्थित है तो एक ऊपर वाले फलक पर होगा, अगर इस वाले फलक पर है तो इसके जस्ट सामने वाले फलक पर स्थित होगा अवयवी कण, तो इस प्रकार की होती है वो होती है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये था अपना टॉपिक आज का, एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के प्रकार। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ से घन उपलब्ध हो तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ क्या है। तो मुझे आशा है कि आपने जो मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार इस डिब्बे की सहायता से भी समझा लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि सरल जो एकक कोष्ठिका है, आद्य एकक कोष्ठिका, उसमें क्या होगा, ये क्या है, ये थोड़ा आयताकार रह गया, बाकी इसको बीच में से काट दे, ये क्या बन जाएगा, घनाकार बन जाएगा। लेकिन जो सरल आद्य घनी एकक कोष्ठिका है उसके अंदर क्या होगा, देखो जब इसको आप घन मानते हुए चलना है तो उसमें क्या होगा, जो अवयवी कण होंगे एक यहाँ इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, इस प्रकार कितने, चार यहाँ कॉर्नर होंगे, चार ये वाले कॉर्नर, कुल कितने, आठ अवयवी कण होंगे, मतलब कि आठ अवयवी कण इनके ऊपर स्थित होंगे। तो जो एक कॉर्नर पे स्थित होता है उसका जो योगदान होता है एकक कोष्ठिका में वो कितना होता है, 1/8 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्नर पे स्थित होगा वो देखो आगे एक और यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा एक घन होगा एकक कोष्ठिका का, एक इधर भी होगा, एक इस साइड भी होगा, और ऐसे कैसे चार ऊपर होंगे, तो जो एक परमाणु यहाँ होगा वो किसके साथ, आठ के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, आठ के साथ संयोजित है, तो एक एक कोष्ठिका को कितना होगा भाग मिलेगा, 1/8। तो इसका मतलब जो सरल घनीय कोष्ठिका है उसके अंदर अगर कुल हम परमाणु की संख्या देखें तो कितनी होती है, आठ, टोटल आठ अवयव होते हैं, प्रत्येक का 1/8 भाग शेयर होता है, तो टोटल एक परमाणु बनता है एक एक कोष्ठिका में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या होगा कि यहाँ चार होंगे, चार इधर भी होंगे, और जो बाकी वाले हैं वो ये, जैसे कि ये फलक है
तो एक इसके सेंटर में होगा यहाँ पर, एक इस पलक के सेंटर में होगा, इस पलक के भी सेंटर में होगा और एक इस पलक के सेंटर में, एक इस पलक के सेंटर में होगा और एक इस फलक के सेंटर में। और जो अंत्य केंद्रित थी उसमें क्या होंगे, ये तो वाले ऊपर वाले और नीचे वाले होंगे साथ में ही, अगर इस फलक के सेंटर में है तो वापिस इसके सामने वाले फलक के सेंटर में होगा, ऑनली फॉर एक दो होंगे ठीक है। अगर एक यहाँ है तो इसके जस्ट सामने होगा, अगर ये वाली कंडीशन है तो ये दोनों बनेगी, ये वाली है तो ये दोनों बनेगी, ये है तो ये दोनों बनेगी। तो ये है तीन प्रकार इनके, और एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक का अध्ययन आज का हमारा। तो अब वीडियो को हम एंड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें थम्स अप कर लीजिए फटाफट। और लास्ट में मैं आपको एक सवाल भी पूछ लेता हूँ, अब मैं आपको एक सवाल पूछ लेता हूँ जो हमने आज डिस्कस किया, आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में उसके आंसर आपको फटाफट टाइप करने। तो पहला सवाल है कोशिका एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर्स होते हैं, जल्दी आंसर टाइप कर लीजिए फटाफट, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट हमेशा पिन किया जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि लाइव चैट नहीं है, लाइव चैट होता तो मैं यहाँ सीधे ही आपका नाम ले लेता किसने कमेंट फर्स्ट किया है, तो मैं प्रीमियर में आपका कमेंट पिन कर लूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने हैं, ऑनली फॉर संख्या बतानी कितने, 3, 6, 9 जितने भी आपको फटाफट मैंने जो डिस्कस किया पहले उसके बारे में फटाक से आंसर दे देना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल एकक कोष्ठिका जो होती है, मूल एकक कोष्ठिका उसमें परमाणु या अवयव जो है वो कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, कॉर्नर पे, सेंटर पे या फिर फलक पे, आपको बताना है ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि जो फलक केंद्रित कोशिका है उसके अंदर परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है, चलो मैंने डिस्कस नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप लिख लीजिए सरल जो मूल या सरल आद्य एकक कोष्ठिका है उसके टोटल अवयव कण कितने होते हैं, जो मैंने 1/8 शेयर वाला बताया वो वाला उसका आंसर टाइप करना है फटाक से कर लीजिए। जेड बराबर जो कणों की संख्या, टोटल कणों की संख्या हम लिखते हैं उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, इस सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।